नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ सुरिंदर सिंह, तो तुसी वेख रहे हो प्राइम टाइम। प्राइम टाइम दे विच अज गल करांगे भारत ते चीन दे सैनिकां दे विचाले हुई झड़प दी। आखिरकार क्यों चीन वार वार तवांग ते अपना कब्जा जमावना चाहुंदा। इस दे नाल ही गल मुख्यमंत्री भगवंत मान दे नाभा जेल दे विच मारे गए छापे दी वी करांगे। ते नाल ही चंडीगढ़ SSP दे तबादले ते वी चर्चा करांगे, ते नाल ही SGPC वालों ले गए खास फैसले की भी गल करांगे। प्राइम टाइम दे विच अज ट्रांसपोर्ट विभाग के सख्त फैसले की भी चर्चा करांगे, अते नाल ही गल रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा की भी, क्योंकि लंबी बीमारी तो मगरों आखिरकार अज उन्हां दा देहांत हो गया। तो आओ शुरुआत करते हैं अज दे प्राइम टाइम। भारत ते चीन दे सैनिकां विचाले कुछ दिन पहला तवांग सरहद ते हुई झड़प तो बाद यह मामला लगातार सियासी रंगत लै रहा है। तो हालांकि विरोधी धिरां दे सवालां विचाले देश दे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले ते लोकसभा दे अंदर जवाब दिता। राजनाथ सिंह ने कहा कि 9 दिसंबर नूं स्थिति नूं बदलन की कोशिश की गई सी। इस आमो सामने विच झड़प हो गई अते भारतीय फौज ने बहादुरी दे नाल PLA नूं साडे खेतर ते घेरा पाउण तों रोकिया अते उहनां नूं अपनी पोस्टां ते वापस जाण लई मजबूर कीता। झड़प दे विच दोवां पासिआं दे कुछ सैनिकां नूं सट्टा लगिआ। राजनाथ सिंह ने अगे कहा कि मैं इस सदन नूं दसना चाहुंदा कि साडे किसे भी सैनिक की मौत नहीं हुई है अते कोई भी गंभीर रूप दे नाल जख्मी नहीं होया। रक्षा मंत्री ने दस्सिआ कि इस घटना तों बाद चीनी पक्ष नूं अजिही कार्रवाई करन लई मना लिया गया अते सरहद ते शांति बनाई रखने लई कहा गया। उन्हां कहा कि यह मुद्दा कूटनीतिक पद्धर ते चीन नाल भी उठाया गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय फौज के कमांडरां की मुस्तैदी के कारण PLA के जवान अपनी पोस्टां ते वापस चले गए। उन्हां दस्सिया कि इस घटना तो बाद इलाके के स्थानक कमांडरां ने 11 दिसंबर नूं फ्लैग मीटिंग की घटना बारे विस्तार दे नाल चर्चा की। संसद के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की कुछ किया आओ सुन लेने। मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज PLA ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण PLA सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर हैं। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा और अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूँ कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम और प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगी। तो आओ तुहानू हुण डिटेल दे नाल जानकारी दिंदे आ कि तवांग दी सरहद ते आखिरकार की कुछ वापरिया अते इस कार्रवाई तो बाद भारतीय फौज ने होर की कुछ
कदम चुके ने। तवांग दे विच भारत ते चीन दे सैनिकां दे विचाले हुई झड़प तो बाद इंडियन एयरफोर्स ने अरुणाचल सरहद ते कंबैट एयर पेट्रोलिंग यानी जंगी उड़ाना शुरू कर दित्तियां ने। 9 दसंबर नूं तवांग दे विच हुई झड़प तो पहला भी चीन ने अरुणाचल सरहद ते अपनी ड्रोन भेजन की कोशिश की सी। इस तो बाद इंडियन एयरफोर्स ने तुरंत अपने लड़ाकू विमान अरुणाचल प्रदेश की सरहद ते तैनात कर दिते सन। सूत्रों तो मिली जानकारी के मुताबक तवांग के करीब यंगस्ते विच LAC यानी कि लाइन एक्चुअल कंट्रोल दे कोल दो इलाके होलीदीप अते परिक्रमा दे एरिया दे विच चीन भारतीय चौंकियों का विरोध कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों के विच दो तीन बार इन चौंकियों वल वध रहे ड्रोन नू भारत के लड़ाकू जहाजा ने रोकया। तुहानू दस दईए कि सुखोई 30 MKI ने यह एयर वायलेशन रोकया सी। उधर इंडियन एयरफोर्स ने यह भी साफ किया है कि जेकर कोई चीनी विमान या फिर ड्रोन LAC दे दायरे दे विच उड़दे हन तां उन्हां नू कोई परेशानी नहीं, पर जेकर यह भारतीय सरहद के अंदर दाखिल होए तां इस ते उह कार्रवाई करनगे। तुहानू यह भी दस दईए कि नॉर्थ ईस्ट दे विच वायुसेना की मौजूदगी काफ़ी मजबूत आ। असम के तेजपुर अते चबुआ दे विच कई थावां ते सुखोई 30 की तैनाती की हुई है। रफेल फाइटर जैट भी बंगाल के हशीमारा विच तैनात हैं जो काफ़ी घट समय के अंदर नॉर्थ ईस्ट नू कवर कर सकते हैं। तो आओ हुण तुहानू यह भी दसदे हाँ कि तवांग आखिरकार भारत चीन लई महत्वपूर्ण क्यों है अते चीन इस इलाके ते अपनी नज़र क्यों रख रहा है। अरुणाचल प्रदेश दे विच भारत चीन सरहद के करीब तवांग कस्बा करीब 17,000 फुट की उचाई ते मौजूद है। यह थां रणनीतिक तौर ते काफ़ी मायने रखती है। तवांग तो पूरे अरुणाचल प्रदेश ते नज़र रखी जा सकती है। यही कारण है कि चीन काफ़ी समय तो इस ते कब्जे की फिराक दे विच है। 1962 दे युद्ध विच चीन तवांग ते कब्जा कर लिया सी। हालांकि जंग रुकन तो बाद वो इस तो पिछे हट गया सी, क्योंकि तवांग मैकमोहन लाइन यानी कि LAC दे अंदर पैंदा। तवांग इलाके ते चीन की बुरी नज़र दा दूजा कारण यह भी है कि भारत चीन दे विचाले बनी LAC क्रॉस करन दे जो दो सब तो अहम पॉइंट हन उन्हां विचों तवांग भी शामिल है। पहला पॉइंट चंबा घाटी है जो नेपाल अते तिब्बत दे बॉर्डर दे विचाले है। दूजी थां तवांग है जो चीन अते भूटान दे जंक्शन ते है। जेकर तवांग नू किसी तरह चीन हासिल कर लैंदा है तां उसका तिब्बत ते नज़र रखना काफ़ी आसान हो जाएगा। तवांग नू लैके चीन दे विरोध की तीजी वजह तिब्बती धर्मगुरु तलाई लामा भी हैं। दरअसल 1959 दे विच तिब्बत तो निकलन मगरों तलाई लामा ने तवांग दे विच ही कुछ दिन कट्टे सन। इत्थे एक बहुत वड्डा बौद्ध मठ भी मौजूद है। इस लिहाज नाल चीन तवांग ते कब्जे नू अपनी अहम दी लड़ाई मनदा। ते उधर मुख्यमंत्री भगवंत मान एक्शन च नज़र आ रहे हैं। भगवंत मान वल्लों अज पटियाला दे नाभा जेल च अचनचेत चैकिंग की गई सी। इस मौके उन्हां दे नाल आम आदमी पार्टी दे विधायक देवमान, पटियाला दे SSP वरुण शर्मा ते डिप्टी कमिश्नर साक्षी सानी अते जेल प्रशासन दे उच्च अधिकारी शामिल सन। मुख्यमंत्री भगवंत मान वल्लों जेल दे अंदर पूरे इलाके का दौरा किया गया। इस मौके CM मान ने हवालातियां अते कैदियां नू आ रही मुश्किलां भी सुनिया अते कहा कि जेकर किसी नू कोई भी परेशानी आती है तो जेल सुपरडेंट नू दस्या जाए, सरकार उन्हां कमियां नू पूरा करन दी पूरी कोशिश करेगी। इस दे नाल ही मुख्यमंत्री मान ने हवालातियां नाल गल करदिआं कहा कि सरकार चाहुंदी है कि तुसीं इत्थों चंगीआं चीज़ां सिख के जाओ ता जो जेल तो बाहर जाण तो बाद समाज अते परिवार च जिंदगी दा समां ना खराब होवे। इस तो इलावा भगवंत मान ने कहा कि जेकर कोई कैदी पढ़ना चाहुंदा है तो उन्हां लई जेल च विशेष प्रबंध किए जाणगे। जेल विच कैदियां लई चल रही गतिविधियां संबंधी भगवंत मान ने जेल प्रशासन नाल विशेष गलबात की। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि जदों तक समय कैदियों नू बेहतर इंसान बनाउण दे लई हर संभव कोशिश की जाए, कैदियों नू आत्म निर्भर बनाउण लई विशेष मुहिम भी चलाई जाए ता जो वह सज़ा पूरी करन तो बाद बाहर जाके आत्म निर्भर बन के कारोबार कर सकन। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान अते जेल अधिकारियों के विचाले की कुछ गलबात हुई आओ भी सुना लैने। राम दोस्त जी पुरानी डिजाइन दी बनी
ਮਤਲਬ ਆ ਫਾਈ ਜੇਲ ਹੈ ਜੇਲ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਦੇ ਰਾਈਟ ਅਪ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਰਬੜ ਦੀ ਬਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਕੇ ਚੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਥਰੋ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਇਹੀ ਜੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 100-100 meter ਦੀ ਏਰੀਏ ਚਾਰ ਛਫੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਡੇ ਦੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਹਾਈ ਫੈਂਸ ਤਾਂ ਥਰੋ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਆ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਐਨਕਲੇਵ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਲਓ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਲ ਸੜਕਣਾ ਗਰੀ ਹੈ ਕਾਰ ਰੋਕੀ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਹੁਣ ਥਰੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥਰੋ ਦਾ ਸਮਾਨ ਡਿੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਰੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੋਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫੜਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿਪ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੈ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਫਰੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸੀਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥਰੋ ਨਾ ਰਹੀ ਥਰੋ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਆ ਸਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਥਰੋਇੰਗ ਲਈ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰ ਕੁਝ ਥਰੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫੜੇ ਸੀ ਪਰ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਿੱਟੀਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ ਲੈਦਰ ਦੀ ਬੋਲਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਡਾਲ ਕੇ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੋ ਕੀਤਾ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਆਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਦੇ ਥਰੋ ਦਾ ਬੰਦਾ 100 meter ਤੱਕ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ ਉੱਚੀ ਕਿੰਨੀ ਫੈਸ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਐਸਾ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਐਸਾ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜੈਮਰ ਲੱਗਣ ਸਰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਚੱਲੇ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਾ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡੈਡ ਜ਼ੋਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡੈਡ ਜ਼ੋਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ SSP ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਤਲਖੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ SSP ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ SSP ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ IPS ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ SSP ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ IPS ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚਾਹਲ 2009 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ SSP ਚਾਹਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸੀ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਨ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ SSP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ SSP ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹਟਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 6 IPS UT ਕੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨਾਤ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ UT ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਜਾਂ 3 ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 6 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ SSP ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ UT ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ SSP ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ UT ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ UT ਕੈਡਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ SSP ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ SSP ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ
चंडीगढ़ के उत्ते पंजाब का जिहड़ा हक है उसनू कमजोर करन दी कोशिश कर रही है, भावें वह BVMB का मुद्दा होवे जिथों पक्की मैंबरी खत्म की गई, भावें चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी नू केंद्रीय यूनीवर्सिटी तब्दील करन दी गल होवे। ये गल वक्री है कि आम आदमी पार्टी के विरोध तो बाद जिहड़ा है वह फैसला रोकना पिया, भावें चंडीगढ़ दे विच जिहड़े है मुलाजमान के सर्विस रूल तब्दील करन दी गल होवे। ते हुण जिहड़ी ताज़ा तरीन फैसले दे विच चंडीगढ़ के गवर्नर ने जिस तरीके नाल चंडीगढ़ के SSP नू बदल के उस दे उत्ते हरियाणा के कैडर का SSP लगाया, यह बिल्कुल गलत है। आम आदमी पार्टी इस दी निखेधी करती है क्योंकि चंडीगढ़ के हुण तक जदों भी SSP कोई लगाया गया तो वह पंजाब कैडर का लगाया गया है। सो इस तरीके नाल ये पंजाब दे नाल एक होर धक्का हैगा, जिस लैवल ते विरोध करना पिया आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी। और केंद्र सरकार नूं भी समझना चाहिए कि लोकतंत्र दे विच सूबियां दे अपने हक हुंदे आ, केंद्र दे अपने हक हुंदे आ। इहदा मतलब ये नहीं जेकर तुहाडे कोल बहुत वड्डा मैंडेट केंद्र दे विच आ गया तुसीं अपनियां मनमानियां करो, हिटलर शाही चलाओ और सूबियां दे जिहड़े कि अधिकारां नूं कमजोर करो। पंजाब कैडर ते IPS अफसर जिहड़े कि बतौर चंडीगढ़ विच SSP दीआं सेवां निभा रहे सी, पिछले दिन उन्हां नूं गवर्नर ऑफिस ने विदाउट कंसल्ट कीते पंजाब सरकार नूं, यानी कि पंजाब सरकार नाल बिना सलाह मशवरा कीते उन्हां नूं अहुदे तों लाया, जिहड़ा कि गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। और ये लगातार पंजाब विच भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की उहदे अधिकार क्षेत्र दखलंदाजी और एंटी पंजाब जिहड़ा BJP का चेहरा वार वार सामने आ रहा है। सारे नूं पता है कि पंजाब चंडीगढ़ विच बतौर जिहड़ा SSP आ उह पंजाब कैडर का अफसर ही सेवा निभाउंदा रहा और यह परंपरा रवायत पुरानी है, लेकिन जिस तरीके नाल पंजाब दे अधिकार क्षेत्र च दखलंदाजी की जा रही है, जिस तरीके नाल गवर्नर ऑफिस का मिसयूज किया जा रहा है, बिल्कुल जिहड़ा है बर्दाश्त करन योग नहीं है। इस ना पंजाब सरकार ना पंजाबी इहो जिहे जिहड़े भारतीय जनता पार्टी के एंटी पंजाब जिहड़े स्टैप है इन्हां नूं सहन नहीं करूगी और यह देश के फैडरल स्ट्रक्चर वास्ते भी मैं कहना भी बहुत तो उधर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सिख भावनावां दे मद्देनज़र गुरु साहिबान ते उन्हां दे परिवारिक मैंबरां दे किरदार नूं किसी भी तरह दीआं फिल्मां राहीं पेश करन ते अगले फैसले तक मुकम्मल रोक ला दित्ती है। यह फैसला एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी की अगवाई विच इत्थे हुई धर्म प्रचार कमेटी दे विच लिया गया। इस दे नाल ही सिख जरनैल अकाली बाबा फूला सिंह की 200 साल शहीदी शताब्दी के समागम उलक्कण लई श्रोमणी कमेटी और न्यंग सिंह दलों के नुमाइंदियां की एक सांझी कमेटी गठित करन दी भी फैसला लिता गया। श्रोमणी कमेटी के प्रधान एडवोकेट धामी ने दसिया कि पिछले समय दौरान सिख गुरु साहिबाना ते उन्हां दे परिवारक मैंबरां ते फिल्मां बनाउण दे रुझान कारण सिख संगत अंदर भारी रोष सामने आया, जिस दे मद्देनज़र श्रोमणी कमेटी ने किसी भी तरह दीयां फिल्मां राहीं गुरु साहिबाना अते उन्हां दे परिवारक मैंबरां दे किरदार नूं फिल्माउण ते रोक लगाई है। होर की कुछ कहा हरजिंदर सिंह धामी ने, आओ सुन लैने। एनीमेशन फिल्मां बारे भी कुछ जिक्र होया जी? ये बड़े वड्डे लंबे समय तो क्योंकि जदों पवित्र चार साहिबजादियां दी याद दे विच इह फिल्म बनाई सी उस वेले लोगों ने सलाया सी ते जिहड़े गुरमते धारनी सी उन्हां ने इस गल ते फिर एक किंतु भी किया सी पे ये जिहड़े करैक्टर एवें नहीं दिखालने चाहिए। सो अज धर्म प्रचार गुर कमेटी ने श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने समुचे तौर पर मता पाया भी इन्हां ते अगले हुक्मां तक बिल्कुल जिहड़ा आ बैन किया जाऊगा, किसी नूं भी जिहड़ी आ ये बनाउण दी जिहड़ी आग्या नहीं दित्ती जाऊगी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। तो उधर जलंधर शहर के लतीफपुरा इलाके दे विच पहला ढह ढेरी किए गए दर्जना मकाना के मालकां ते पीड़ित परिवारों नूं हाले तक भी सरकार वल्लों कोई इंसाफ की किरण नज़र नहीं आ रही। मकान टुटन कारण बेघर होए लोग हाले भी अपना समान लैके सड़कां ते बैठे ने अते सरकार तो किसे रहम की उड़ीक कर रहे हैं, पर इस विचाले पूरी दुनिया के अंदर पीड़ित लोगों की मदद लई सेवा का हथ अगे वधाउण वाली संस्था खालसा एड के अहुदेदारा ने हुण पीड़ित परिवारों की बांह फड़ी है। सड़कों के विचाले समान लैके बैठे बेघर लोगों लई हुण खालसा एड ने RG टेंटा का प्रबंध किया अते नाल ही उन्होंने लंगर पानी की भी सेवा की है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि 3 दिन बीतन ते भी सरकार का कोई भी नुमाइंदा उन्हां दी सार लैण नहीं पहुंचा।
पीड़ित परिवारों नूं हाले भी उम्मीद है कि सरकार उन्हां दी मदद जरूर करेगी। तो दूजे पासे खालसा एड दे नुमाइंदियां दा कहना है कि असीं परिवारां दी अपने पद्धर ते पूरी मदद कर रहे हैं अते भविख दे अंदर जेकर सरकार इन्हां परिवारां लई कोई जमीन दा प्रबंध करदी है तां इन्हां दे घरां दी उसारी लई मदद जरूर कीती जाएगी। की कुछ क्या पीड़ित परिवारां ने ते खालसा एड दे अहुदेदारां ने, आओ सुन लैने। साडे कोल शब्द ही नहीं जी, साडे वास्ते रब बन के आए कि जिदा सानू एक सेल कोल वास्ते पवे टेंट ला के दिते आ, शुरुआत उहदा कर दित्ती आ। उन्होंने कहा कि असीं जो भी साडे कोल बन पाएगा अहीं करांगे, बाकी सरकार दा कोई नुमाइंदा साडे कोल नहीं पहुंचिया, ना मौजूदा MLA कोई नहीं। गुजारा जी अं तो सड़क से है, तो मेरा एक सज्जन जिसे मेरे बच्चे छत दी भी क्यों, क्योंकि मेरा 3 महीने का पुत्र है, कल 14 तरीक 3 महीने का होना जी, इनोसेंट हार्ट तो उससे पैदा होया ही। मैं सोचा कि इतने खेडा बल्ला का सपना रह गया, वो हूँ किस दोस्त के घर मैं अपनी नूह के पुत्र छड़िया, बच्चे छोटे छोटे, क्योंकि 3 महीने बच्चे मैं लिया शहर कि दाले चाहिए शुरू हो गए। हार के मैं किसी ने कहा कि दे यार तू बच्चा छोटा जरा तू छ। मैं देखो हूँ मेरे फादर साहब इतने आए, उस तो बाद मैं जन्म लिया, मेरे तो बाद मेरे बच्चे जन्म, मेरे एक मुंडा 30 साल का, 28 साल का, 26 साल का, उन्होंने रिकॉर्ड कारपोरेशन के बच्चों भी है, ट्रस्ट के दफ्तर भी है। ये किदा कह सकते भी तुम अज आए हो? मैं स्कूले पढ़िया, मेरे को सर्टिफिकेट है, मेरा 14/11/70 का जन्म। सरकार का नुमाइंदा हजे तक नहीं कोई भी आया ना जी? हूँ तो शायद रोटियां चौपड़ के बाद पकौड़ गए, जो अग बाली है रोटियां कई आनगे सेकन वास्ते, कई आनगे। अक्सर देखे जाता जो भी इधर कोई गलबात होती है ओपोजिशन बहुत सवाल खड़े करता है कि ओपोजिशन भी कोई नहीं है। मैं क्या जी तो तुम भी वेखते ही पे हो, जे यो किसी मंत्री का घर डठा हों जो रिश्वत खा खा के अपने घर बनाते, तो उत्थे मीडिया तो बहुत व्डा पहुँचता, प्लस उत्थे व्डे तो व्डे समय तक पहुँचते सरकार से, साढ़े को नहीं कोई पहुँचा, क्योंकि गरीब परिवार पुलिस लाती जी 1300-1400 बंदा। मैं तो पहला ये पूछना चाहता इन्हां नूं भी 1300-1400 पुलिस वाले ला के तुसी की साबित करना चाहते भी इत्थे कोई बदमाश रहिंदे ने कि कोई इत्थे कोई गलत बंदे? आम परिवार आम पब्लिक पुलिस वाला तो एक ही बड़ा सी, जिहड़ा टाइम 2 घंटे जोड़ा सी इन्हां ने चाल चल के आ कर दिता, मिनती करा लेते आप ही सच्चाई सामने आ जाती, मिनती कराई नहीं, चलो नहीं कराई। 60 फुट सड़क मंगी, 305 फुट तक ला गए, पिछे हैगी मुड़ साहब महकमे की, वह इदा का कोई हक नहीं। देखो साड़ी सरकार नू असी ओपनली अपील की सी, ते साडे वल्लों सब तो पहल दे आधार ते इह गल कही गई सी कि जे सरकार जमीन अलॉट करती है तो असी इन्हां दे जिहड़े घर बनाउण दी सेवा असी उह करन नूं तैयार हाँ, पर हजे कोई ना रिस्पोंस आन करके जदों असीं इत्थे 2 दिनां तों पिछले आ रहे सीगे तां देखिया परिवार ओपन च सो रहे ने, सर्दी पै रही है, बच्चे ने, बजुर्ग ने, बीबियां ने, सो इंसानी दे नाते जो साडा फर्ज बनता सीगा कि असीं जिहड़े टेंट है वह लगा के दे दिते जाण, सो परिवारां लई उह टेंट लगाए ने, बिस्तरे दिते गए ने तां जो एटलीस्ट उह जिन्हां कोले हुण छत ही नहीं रही, जिन्हां दा घर ही नहीं रहा, सो एटलीस्ट उह टेंट दे विच घर अपना गुजारा कर सकन। उन्हों का इंसाफ लिए वेट कर रहे हैं कि सानू किसी तरीके इंसाफ दिता जाए, जे कोर्ट के ऑर्डर आए हैं तो इन्हों कोई ऑल्टरनेट दिता जाए या सरकार वालों कोई मुआवजा दिता जाए, या कई तो यही नहीं पता कि साढ़े को नोटिस आया ही नहीं जी, कई यही नहीं पता कि सवेरे ढाण आ गए, सो बहुत इमोशनल बहुत शौक के घर ने, कई मैंटली भी इन्ने ज़्यादा इफेक्ट हुए पे ने जिन्हें जिन्हों तो गलबात ही नहीं हो पा रही, जो तुम गल करते हो रोन लग पेंदे ने, सो असं महसूस कर सकते हैं कि इस टाइम के उत्ते हालात कहो जे होणगे। सो इंसानी के नाते जो साडा फर्ज बनता है खालसा एड सेवावां निभा रही। सरकार
हाँ जी बिल्कुल जी, असी सोशल मीडिया से साड़ी टीम वालों भाई रवि सिंह वालों भी ये अनाउंसमेंट की गई है कि जे सरकार मदद करती है जमीन के उत्ते तो असी जरूर पूरी पेपरवर्क करके इस उत्ते जी कार्रवाई है वो घर बनाने वाली वो खालसा वालों सेवाओं निभाने तैयार। तो उधर तरन तारण के थाना सरहाली दे विच रॉकेट लॉन्चर दागन की साजिश नू लैके हर दिन नवे खुलासे सामने आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के मशहूर अत्तवादी लखबीर सिंह लड्डा ने विदेश तो इस मामले की फंडिंग की सी। वारदात को अंजाम देने वाले दो लोगों के नाम ही सामने आए। वारदात को जेल के बंद गोपी ते प्रीत सिंह ने अंजाम दिता। दोवें अपराधी एक गैंग का हिस्सा हैं। उन्हां खिलाफ कई अपराधिक मामले पंजाब के वख-वख थाणियां दे विच दर्ज हैं। हालांकि पंजाब पुलिस ने इन्हां नामां बारे कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं की है। दसिया जा रहा है कि पंजाब पुलिस ने इस मामले दे विच लगभग 6 लोगों को नामजद किया। इन्हां विचों 4 नूं हिरासत विच लिया गया जबकि 2 फरार हैं। तुहानूं दस दईए कि पिछले दिनी रात के समय जिला तरन तारण के सरहाली थाने दे विच रॉकेट लॉन्चर दागया गया सी, पर इस हमले के दौरान किसी तरह तो जान का नुकसान नहीं होया। थाने विच उस दौरान पुलिस थाना इंचार्ज हाजिर नहीं सन। पुलिस के होर मुलाजमान ने फोन ते थाना इंचार्ज तो लैके उच्च अधिकारियों को इस बारे जानकारी दी सी। ते हैरान करन वाली गल ए सी कि कोई भी तत्काल कार्रवाई करन लई नहीं पहुंचा। अगले दिन सारे जाके इकट्ठे हुए सी। इस मामले दे विच थाना इंचार्ज का तबादला कर दिता गया। तो उधर पंजाब दे विच प्राइवेट बस माफिया जड़ों खत्म करन दे वादे दे नाल सत्ता की कमान संभालण वाली मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने एक होर अहम फैसला लेंदिया इंटरस्टेट रूटा तो बादल परिवार अते वड्डे बस ऑपरेटर दीयां निजी बसों का एकाधिकार खत्म कर दिता। ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने दसिया कि बादल परिवार ने 2007 तो 2017 दीयां अपनियां सरकारां दे कार्यकाल के दौरान अपनी निजी कारोबार चलाउण दी सोड़ी नीति दे तहत स्कीमां बनाईयां, जिस दे विच उन्हां तो बाद दी कांग्रेस सरकार ने भी बादलों के ट्रांसपोर्ट कारोबार चलाने के मदद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों इसे मंशे के तहत पंजाब ट्रांसपोर्ट स्कीम 2018 बनाई गई, जिस विच स्टेट शेयर घटा के वड्डे बस ऑपरेटर फायदा तो पहुँचाया ही गया, जिसका सीधा फायदा बादल परिवार को मिले। सगो चंडीगढ़ के बादल परिवार दसा का दाखला बदस्तूर जारी रहा। इस नाल सरकारी खजाने वड्डी पद्धर से ढा लाई जाती रही। कैबिनेट मंत्री ने दसिया कि पंजाब ट्रांसपोर्ट स्कीम 2018 शोध करके इसनों पंजाब ट्रांसपोर्ट शोध स्कीम 2022 कर दिता गया। स्कीम दे क्लास 3 दे लड़ी नंबर बी तरमीम नाल हुण 100% शेयर नाल सिर्फ सूबा सरकार दीयां बसां ही चंडीगढ़ दे विच दाखल हो सकनगियां। उन्हां दसिया कि अंतरराज्य रूटां दे 39 या इस तों वध सवारियां दी समर्था वालियां एयर कंडीशन स्टेज कैरेज बसा सिर्फ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग वालों ही हर श्रेणी दे विच उन्हां दे समुचे शेयर विचों ही चलाईया जाणगियां। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने दोष लाया कि बादल परिवार अपने निज लई खजाने नूं निरंतर खोरा लांदा रहा अते अपने ते अपने साथियों के कारोबार नूं वधाउण लई मनमर्जी दीयां स्कीमां बनाउंदा रहा, पर मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली सरकार सरकारी खजाने की कीमत ते बादलों के सोहड़े हितों की पूर्ति नहीं होन देवेगी। तो उधर श्रोमणी अकाली दल के सीनियर नेता रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा का देहांत हो गया। उन्होंने अज PGI चंडीगढ़ विखे आखिरी साह ली। उन्होंने अंतिम संस्कार भलके दोपहर 2 बजे किया जाएगा। श्रोमणी अकाली दल के दिग्गज नेतावान के शुमार रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा पिछले कुछ समय तो बीमार सन। उन्होंने देहांत ते अकाली दल की सीनियर लीडरशिप ने दुख का प्रगटावा किया। रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने अपने सियासी जीवन की शुरुआत सरपंच चोणों तो की सी, शुरू तो ही प्रकाश सिंह बादल के करीबी रहे सन। रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा 4 बार विधायक, 2 बार कैबिनेट मंत्री, 1 बार MP रहे हैं। उन्होंने माझे का जरनैल भी कहा जाता सी। रणजीत सिंह लंबे समय तक प्रकाश सिंह बादल ते सुखदेव सिंह ढींसा तो बाद श्रोमणी अकाली दल के सब तो वड्डे आगू रहे, पर 2019 रणजीत सिंह ने सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ मोर्चा खोल दिता सी।
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 85 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ 4 ਵਾਰ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਬਣੇ। ਜੇਕਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 4 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ MP ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਥਕ ਪੰਥਕ ਯੋਧੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਝਟਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਟੱਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੋਰੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ 4 ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ 4 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 85 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।